ओम साईनाथाय नमः। साई बाबा अपने जीवन काल में मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहे हैं और बाबा सदैव अपनी शरण में आए प्रिय भक्तों के हर छोटे बड़े कष्टों को दूर करने की हर संभव कोशिश करते आए हैं। साई भक्त बाबा के प्रति अपनी भक्ति अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर आप साई बाबा की स्तुति साई चालीसा से करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो अनजाने में हम बाबा को खुश करने के बजाय नाराज कर सकते हैं। हर साई भक्त ये जानते हैं कि बाबा को एक सरल तपस्वी के रूप से जाना जाता है जो सरलता पर विश्वास करते थे, लेकिन कभी कभी हम अपनी सुविधा के अनुसार बाबा के हर पूजा और व्रत को कुछ ज्यादा ही सरल बना देते हैं और इसी कारण हम बहुत सारे नियमों को अनदेखा कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम साई चालीसा के कुछ नियम या सरल भाषा में कहा जाए तो कुछ पद्धति जो बहुत ज्यादा जरूरी है हर साई भक्त को जानना चाहिए, इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। साई चालीसा को पवित्रता से पाठ करें, यानी मन को स्वच्छ रखें, किसी के प्रति बैर न रखें और पूरी श्रद्धा से पाठ करें। जब भी साई चालीसा पढ़ें, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पढ़ें। इससे हमारा मन पूरी तरह से शांत रहता है और बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। अगर किसी कारण आप स्नान नहीं कर सकते हैं या आप बीमार हैं तो बाबा का स्मरण करें, अपनी परेशानी बताएं और मुंह हाथ धोकर चालीसा आरंभ करें। बाबा हर भक्त की परेशानी समझते हैं और उसे माफ भी कर देते हैं। चालीसा पढ़ने से पहले यह हमेशा उचित रहता है कि आप बाबा की एक तस्वीर या मूर्ति के आगे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर साई चालीसा करें। वैसे तो साई चालीसा हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बिना तस्वीर या मूर्ति के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके इसलिए हम अगर एक तस्वीर या मूर्ति को रखें तो हमारी एकाग्रता कायम रहती है और मन सांसारिक चीजों से दूर रहता है। साई चालीसा को शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ दिन गुरुवार है। उस दिन आप बाबा की पूजा करें या पूजा के दौरान साई चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साई बाबा के 9 गुरुवार व्रत के दौरान भी आप साई चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साई चालीसा पढ़ने के दौरान एक एक लाइन और पंक्ति को ध्यान से पढ़ें, उसका सही उच्चारण करें और कोशिश करें कि हर पंक्ति का अर्थ समझ में आए और ध्यान को भटकने ना दे। साई चालीसा जब भी शुरू करें गुरुवार के दिन से शुरुआत करें। कभी भी किसी भी वक्त आप साई चालीसा पढ़ सकते हैं। दिन में किसी टाइम आप साई चालीसा का उच्चारण कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, बस ध्यान को केंद्रित रखें और टकने ना दे। अब चलते हैं किस डायरेक्शन में या किस दिशा में हम साई चालीसा का जाप कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि आप दक्षिण दिशा में मुंह करके कभी भी चालीसा का पाठ ना करें। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। अब समझते हैं कि कितनी बार साई चालीसा का जाप करना चाहिए। साई चालीसा आप अपने हिसाब से संकल्प लेकर उतनी बार पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं या कुछ समस्या है या सिर्फ उनकी आराधना करना चाहते हैं तो आप मन में बाबा को पूछकर संकल्प ले कि ये मैं इतने दिन में इतनी बार पाठ करूंगा या करूंगी। बस कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी प्रारंभ करें गुरुवार से प्रारंभ करें। वो संख्या कोई भी हो सकती है, 1, 3, 7, अपने हिसाब से आप उसका संकल्प ले सकते हैं। साई बाबा का चालीसा इतना चमत्कारी है कि आप चालीसा को पढ़ते समय खुद को बहुत ही शांत पाएंगे और अपने जीवन में कई परिवर्तन होते हुए खुद ही अनुभव करेंगे। आशा करती हूँ कि आप पूरी भक्ति श्रद्धा से साई चालीसा का पाठ करेंगे और मन में सबके लिए अच्छा सोचकर बिना किसी बैर भाव के साई चालीसा की स्तुति करेंगे। बाबा की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। ओम साईनाथाय नमः।